नमस्कार, केसरी उजाला न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका। रुक करते हैं खबरों की ओर। महापौर और उप महापौर ऑफ नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पहले ऑनलाइन चुनाव के लिए मंगलवार को चरण निर्धारित किया गया। 127 वोटों के साथ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दयाशंकर तिवारी को नागपुर के महापौर के रूप में चुना गया। प्रशासन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से एक विशेष आम सभा आयोजित करने की घोषणा की थी, जिसमें चुनाव को एजेंडे में सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें 107 मत लेकर भाजपा उम्मीदवार दयाशंकर तिवारी ने कांग्रेस उम्मीदवार रमेश पुनेकर को पराजित किया। इन्हें 27 मत मिले। चुनाव में भाग लिए तीसरे उम्मीदवार बसपा से थे। बसपा उम्मीदवार नरेंद्र वालदे ने अपने पक्ष के 10 मत हासिल किए। पीठासीन अधिकारी ने आज के चुनाव में दयाशंकर तिवारी को बहुमत से विजयी घोषित किया। शायद देश में यह पहला ऐसा प्रयोग था जिसमें कोविड-19 की पृष्ठभूमि के खिलाफ तकनीकी प्रगति का उपयोग करते हुए मेयर के चुनाव हो रहे थे। यदि 5 जनवरी को मेयर चुनाव का ऑनलाइन चुनाव प्रयोग सफल होता है तो इससे अन्य चुनावों में ऑनलाइन वोटिंग के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए अच्छी राह बन सकती है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा प्रवक्ता नवनिर्वाचित दयाशंकर तिवारी का जन्म 1 नवंबर 1963 में हुआ। उन्होंने एमए इतिहास व पत्रकारिता में डिग्री ली। वे वर्ष 1997 से 2002, वर्ष 2002 से 2007, वर्ष 2012 से 2017 और वर्ष 2017 से 2022 तक के लिए 4 दफे नगर सेवक चुने गए। वर्ष 2012 से 13 में स्थायी समिति सभापति व नागपुर सुधार प्रन्यास में विश्वस्त रहे। वर्ष 2004 में तिवारी बतौर भाजपा उम्मीदवार विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। वे शहर बॉक्सिंग, आइस स्केटिंग, चेस बॉक्सिंग संगठन से विद्यार्थी जीवन में वाद विवाद स्पर्धाओं में 582 अवार्ड जीत चुके हैं। आज महानगर पालिका का चुनाव हुआ। 107, 27 और 10 इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बहुमतों के साथ जीत करके आई। एकता भारतीय जनता पार्टी की जो पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। माननीय नितिन जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 के बीच में जो भी योजना बना करके हम लोग काम करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, उसमें गत वर्ष कोरोना के कारण कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आई। सरकार बदलने के कारण राज्य सरकार ने जो नागपुर शहर के लिए, विदर्भ के लिए मिले हुए पैसे थे, उसमें कहीं ना कहीं कटौती करी, इसलिए भी कहीं ना कहीं कमी आई। आने वाले वर्ष में उन सारी खामियों को दूर करके द्रुत गति से शिक्षा के क्षेत्र में, साथ ही साथ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, साथ ही साथ में स्लम के हमारे जो गरीब भाई रहते हैं उनको माल की हक के पट्टे दिलाने के दृष्टि से हम लोग संघर्षरत रह करके उन्हें न्याय दिलाएंगे, ऐसा विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ।